जानना चाहता हूँ इसके अलावा और क्या डालते हो आप? सर इसमें एक तो हम प्याज का रस निकाल के डालते हैं, दूसरा लहसुन, थोड़ा लहसुन मात्रा में डाला जाता है क्योंकि जो हमारे बालों में कीड़ा लगता है उसको लहसुन रोकता है। शिक्का कई डलती है सर इसमें, रतन जो डालते हैं हम, और सर इसमें केसर भी डाला जाता है। और उसके अलावा दो चीजें और जो हमारे ग्रुप का सीक्रेट है वो हम नहीं बता सकते सर जी। बेसिकली आपको 100% फॉर्मूला इसलिए नहीं शेयर किया जा रहा क्योंकि जो ये हिमाचल का ग्रुप है, इनका सीक्रेट है, इनका बिजनेस है, वो इससे इम्पैक्ट हो सकता है, तो ये देसी पुराने फॉर्मूले इस्तेमाल करते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा इसका प्राइस कितना है? सर जो हमारी 100 ml की बॉटल है वो 800 रुपए की है, उसके साथ हमने एक हर्बल टी फ्री रखी है साथ में, और जो हमारी 200 ml की बॉटल है वो 1600 की है, साथ में आधा लीटर शैम्पू फ्री है जो करी पत्ता का बना हुआ है जो हम खुद बना रहे हैं और बहुत अच्छा है बालों के लिए, उससे बाल घने लंबे और सिल्की होते हैं जी। और जी मैं पिछली वीडियो में बहुत सारे लोगों का सवाल था कि आपका ये ऑयल इतना महंगा क्यों है, इसका क्या सर? इसका ये है कि जैसे मैंने बताया तीन चीजें, एक तो मैंने केसर बता दिया और केसर जो है लाखों के हिसाब से केजी है, तो सर वो केसर डलता है। दो चीजें और जो मैंने सीक्रेट बताया हमारे ग्रुप का वो मैं नहीं बता रही हूँ सर, वो भी ऐसे ही कॉस्टली है लाखों के हिसाब से, इसलिए सर हमारा ऑयल महंगा है। थर्ड पॉइंट ये कि इसको बनाने में 6 month का टाइम लगता है, और बाकी सर जो इसको बनाने में 6 month 7 month ऐसे, जैसे इस कढ़ाई में सर कम से कम 7-8 महीने हो गए इस तेल को, तो जितना ही इसमें रहेगा हल्की धीमी आंच पे उपलों की आग में बनेगा उतना ही इसका असर ज्यादा होगा। अगर सर हम चाहें इसमें तेल डालें और जड़ी बूटियां डालें और आग जला दें और उसके बाद फटाफट पकाएं और पैकिंग कर दें और अपने भेज दें, तो सर इसका असर नहीं होगा, इसलिए हम बहुत अच्छे तरीके से बना रहे हैं, जहां भी जाए इसका रिजल्ट हमें अच्छा मिले और लोगों को फायदा हो, और वो भी आगे से हजारों लोगों को बताएं कि वहां से निमी हेयर ऑयल ही मंगवाओ, इसे यूज करो सर, इसीलिए हम आराम इसको बहुत अच्छे तरीके से बना रहे हैं।